हाय नमस्ते यूट्यूब, इट्स बीन अ वाइल। एक महीना ऑलमोस्ट हो चुका है सिंस मैं एक्टिव नहीं था, एंड काफ़ी सारे मैसेजेस इस बीच आप लोगों के आए, काफ़ी सारे लोगों ने प्रेयर्स की, काफ़ी ढेर सारा आप लोगों ने आशीर्वाद अपना भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इतना एक्टिव नहीं था मैं, ना ही सोशल मीडिया में, ना ही इतने इनबॉक्स वगैरह में या फिर व्हाट्सएप में, बिकॉज लास्ट आई थिंक 2 साल से हम लोग मतलब लोगों के चक्कर में इधर से उधर भागते दौड़ते, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं हमने। इतना कुछ ऑलरेडी मैंने लाइफ में देखा है बट फिजिकली शायद वो चीज़ें बार बार वीडियो में नहीं दिखती, बिकॉज आप वो सब चीज़ें जो इंटरनली आप फील कर रहे होते हो आप उतना वीडियो में वो सब चीज़ें बोलते नहीं हो, बट जब इतना सब इंसान लाइफ में देखता है तो मेंटली कहीं ना कहीं इट टेक्स वो चीज़ आपको ऑफकोर्स इफ़ेक्ट करती हैं। और जब आप इतना सब कुछ, इतना दुनिया का भार अपने इस छोटे से दिमाग में लेके चलते हो तो फिज़िकली तो ठीक है इंसान झेल लेता है, लेकिन मेंटली काफ़ी कुछ उसको इफ़ेक्ट करता है। और जब मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से इंसान जूझ रहा हो तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। जब हमने टेस्ट वेस्ट करवाए, टेस्ट भी मैंने इसलिए करवाए थे बिकॉज जो आपने ब्लॉग चैनल में देखा होगा काफ़ी अनइजीनेस सी फील हो रही थी, एंड फिर ऑफकोर्स रिपोर्ट्स तो ख़राब आनी थी, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ECR हो, इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो थायराइड लेवल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब रिपोर्ट्स में अच्छा कुछ था ही नहीं बेसिकली। एंड देन फिर मैंने अपनी हर्ट की एंजियोग्राफी टेस्ट होता है वो करवाया, कुछ मेजर नहीं आया बट माइनर, तो पता ही है कि ये सब चीज़ों का मुझे इतना अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा तो मैं चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करता बट लाइफ में स्ट्रेस तो इंसान को होता ही, स्पेशली जब आप इस मौके पे हो कि इकलौते आप ही एक मेंबर हो, अर्निंग मेंबर भी और रिस्पॉन्सिबल मेंबर भी, बिकॉज इसी फैमिली हिस्ट्री की वजह से हर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसी के चक्कर में अपने पापा को भी खोया है मैंने, अपने भाई को भी रिसेंटली खोया है, तो ये फैमिली एक प्रॉब्लम है। जबकि लाइफस्टाइल इतना ख़राब नहीं है हमारा, बहुत एक्टिव रहते हैं स्टिल, सिंस ये फैमिली हिस्ट्री है, तो लास्ट एक महीने में जो हुआ अब हर चीज़ तो क्या ही बताऊंगा, बट ठीक नहीं था, मुझे फील हो रहा था अंदर से, सो ये ज़रूरी था कि रेस्ट लूँ। और ज़्यादा तो मैं खैर क्या बोल सकता हूँ, बट सिंस इतने लोगों का आशीर्वाद है तो अब आई एम फीलिंग बेटर। और ये मैं YouTube पे भी इसलिए आया हूँ बिकॉज अब पहले से बेटर है, फिजिकली तो एटलीस्ट बेटर है, मेंटली तो होता ही है चीज़ों का, बट एनीवेज तो अब स्पेशली उन लोगों का भी शुक्रिया बिकॉज काफ़ी चीज़ें मैंने हेल्प, 2-3 वीड हेल्प तो पहले भी कर दी थी बट मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा था एडिटिंग वगैरह की वजह से, सिंस अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो बट अब 2 हेल्प की वीडियोस हैं। एक हमने एक शॉप खुलवाई थी गुड़गांव में और एक हमने हरियाणा में जाके अम्बाला में एक हेल्प की थी, तो उसकी वीडियो पोस्ट करूंगा अभी मैं, आई थिंक कल परसों में या फिर आज, आई डोंट नो, तो पहले वो वीडियो पोस्ट करूंगा एंड देन उसके बाद हम लोग 10, 11 या 12 इसमें से जब भी जैसे भी मुझे बेटर फील होगा 1-2 ब्लड टेस्ट वगैरह और करवाऊंगा। प्लस आप लोगों को पता ही है फिर जब आप घर पे होते हो आप कुछ नहीं करते, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो प्लस इतने टेस्ट वगैरह, मेडिकल बिल्स, काफ़ी स्ट्रेस और ऐड होता है। बट हाँ, इस बीच मैं अपने जो हमारा एक हेल्पिंग ग्रुप है व्हाट्सएप में उसका बहुत ढेर सारा शुक्रिया एंड बिग हग देना चाहूँगा उन सभी को, बिकॉज जब आप प्रॉब्लम में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो आपको जब कोई एक सहारा देता है तो कुछ और हो या ना हो लेकिन एक एक मेंटल कम्फर्ट मिलता है कि आपके साथ हैं कोई, तो बहुत ढेर सारा शुक्रिया। और बस अब हम बस हेल्थ ठीक रहे, मैं तो ये प्रे करूँगा मेरी भी और सबकी, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें, तो अब 2-3 दिन में हम लोग निकलना स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली ये सफ़र लंबा चलता रहे ऐसे ही, और क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी ज़रूरत है, तो मेरे मन में ये भी एक स्ट्रेस रहता है कि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं उनका क्या होगा अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगा, तो अपनी जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन में। इतना इंतज़ार करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, और इतना आशीर्वाद देने के लिए भी बहुत सारा शुक्रिया। अब हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट 2 वीडियोस में जो हमने हेल्प पहले कर दी है, पहले वो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं जिन्होंने डोनेट भी किया था, और उसके बाद फिर न्यू वीडियोस में आपको बता दूंगा मैं। तो मिलते हैं अब जल्दी, आप लोग भी अपना ध्यान रखना बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ,
इस बीच मैंने ये बहुत अच्छे से समझा है, तो अब मैं अपना भी उतना ही ध्यान रखूँगा, बिकॉज मेरे अलावा और कोई है भी नहीं मम्मी का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।